हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज जो वैकेंसी आ रखा है वो आ रखा है एक बहुत बड़ी पीएसयू की तरफ से। यहाँ पे जो आपका पीएसयू रहने वाला आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एनटीपीसी रहने वाला है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी रहेगा। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहेगा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पोजीशन आपका यहाँ पे ट्रेनिंग इंजीनियर का आपका पोजीशन रहने वाला है। बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। दूसरी बात एक और बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आपका सैलरी पैकेज है वो आपका काफी अच्छा रहने वाला है। 75,000 आपका पर मंथ का सैलरी आपका बनेगा, फिर TADA मिला के ये काफी अच्छा चला जाएगा। तो अप्लाई जरूर करिएगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप या लिंक्डइन ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप डायरेक्टली वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि मैं वहां पे उन जॉब्स का अपडेट देता रहता हूँ जो कि अक्सर यूट्यूब से छूट जाती है। यूट्यूब पे सारी जॉब्स का अपडेट देना पॉसिबल नहीं रहता, तो आप अदर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने नए क्रिएट कर रखे हैं, और एक बच्चा एक ही ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इतने सारे प्लेटफॉर्म आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। और अगर आपने हमारा जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है कैरियर ब्लास्टर, अगर वो सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। सब्सक्राइब करने पे मजबूर हो जाओगे क्योंकि वहां पे कंटेंट ऐसा डाला जा रहा है, आपको वहां पे वर्क फ्रॉम होम जॉब्स का अपडेट दिया जा रहा है, प्लस आपकी जो स्किल्स है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। आपको वहां पे बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे आने वाले कुछ वीडियो के अंदर, ठीक है। ऑटो कैड हो गया, ईटैब हो गया, और आप जो बोलोगे वो कोर्स मैं आपके लिए ला दूंगा विद सर्टिफिकेट, ठीक है। जिस सर्टिफिकेट को आप टेलीग्राम पे लगा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लगा सकते हैं, और भी बहुत सारी जगह शेयर कर सकते हैं, लिंक्डइन पे भी शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे PDF डाउनलोड हो चुका है। PDF का लिंक और अप्लाई लिंक, दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली वहां पे क्लिक करके PDF को डाउनलोड कर लेना और अप्लाई कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NTPC की तरफ से यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकल रखा है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा है, और आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ पाएंगे। यहाँ पे NTPC का पूरा ब्यौरा दे रखा है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ट्रेनिंग का यहाँ पे वैकेंसी रहने वाला है, पूरा बता देता हूँ। कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यहाँ पे 15 पोस्ट रहने वाली है, और माइनिंग वालों की यहाँ पे 25 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरा डिटेल में बता रखा है, डिसिप्लिन एडवर्टाइजमेंट, और यहाँ पे आपका डिग्री क्या चाहिए। कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर आपने BBTech किया है या फिर अगर आपने IT में BBTech किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने यहाँ पे माइनिंग के अंदर BBTech कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होने वाला है GATE 21 2021 के बेस पे, आपका यहाँ पे जो भी आपका स्कोर बना है उसके बेस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, आपका 27 रहने वाला है जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी के लिए, और एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा बिल्कुल यहाँ पे SC ST OBC और PWD और एक्स सर्विस मैन को यहाँ पे एज रिलैक्सेशन बिल्कुल दिया जाने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे बता दिया गया है कि आपका जो गेट के अंदर जितने भी मार्क्स बने उसके बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, जो कि 2021 में हुआ था उसके बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका जो गेट के अंदर जो भी आपका कोड रहने वाला है वो आप इसको देख सकते हैं, पेपर कोड क्या रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे आपको बता दिया गया है कि वैकेंसी को डिवाइड कर दिया गया है। टोटल वैकेंसी CSIT वालों के लिए 15 और माइनिंग वालों के लिए 25 वैकेंसी है, जिसको यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। आप इस नोटिफिकेशन को, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इसको अच्छे से देख पाएंगे। यहाँ पे सैलरी आपकी 1,40,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपकी रहने वाली है। प्लेसमेंट के बारे में बता रखा है, और आप यहाँ पे रिजर्वेशन कोटा यहाँ पे दिया गया है जिसको आप अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। और बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा जो कि हर PSU के अंदर रहता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा 5 लाख रुपए का, आपको यहाँ पे एक सर्विस बॉन्ड साइन करना पड़ेगा जो कि एक नॉर्मल बॉन्ड रहता है जिसको आप बनवा सकते हैं। हेल्थ के बारे में बता रखा है आपको यहाँ पे, अप्लाई कैसे करना है लिंक मैं आपको अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां पर क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो भी मार्क्स बने GATE 21 के अंदर उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। पेमेंट के बारे में आपको बता देता हूँ कि कितना आपको यहाँ पे पेमेंट करना है, जो कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पाएंगे। यहाँ पे पेमेंट के बारे में आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो आपका पेमेंट करना है जनरल कैंडिडेट, EWS और OBC कैंडिडेट को 300 रुपए यहाँ पे पेमेंट करना है, और SC ST एक्स सर्विसमैन और PWD को यहाँ पे 1 रुपया भी यहाँ पे नहीं करना है।
फॉर ए फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे नहीं करना, इन्होंने यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। जैसे कि SC ST और एक्स सर्विसमैन और PWD को यहाँ पे नहीं करना है, एंड जो फीमेल कैंडिडेट है जो कि जनरल कैंडिडेट या किसी कैटेगरी में आती है उनको यहाँ पे नहीं करना है। पेमेंट आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी पूछना होता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा PDF का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट होने वाला है वो 24 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, और जो लास्ट डेट रहने वाला है वो 10 मार्च रहने वाला है, उससे पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। और यहाँ पे इनकी अगर आपको कुछ क्वेरी है तो इनका मेल आईडी दे रखा है, ट्विटर हैंडल दे रखा है, आप यहाँ पे मेल करके भी पूछ सकते हैं। तो मेरे भाई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो जो एलिजिबल रहने वाले वो अप्लाई जरूर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं ताकि वो जॉब आपके लिए हम ला सके। एंड व्हाट्सएप, टेलीग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक से जुड़ने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप डायरेक्टली वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।